मटर ली हूँ, उसको छील करके रख ली हूँ। और आज मैं इसका बनाऊंगी मटर का गादा, बिहार में बहुत फेमस है। इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी 1.5 से 2.5 गिलास पानी में, और ये बढ़िया से उबल जाएगा। उसके बाद मैं इसको या तो आप सिलबट्टे में पीस सकते हैं, या तो इसी में तल घोटनी से घोरट करके और बनाइए। और बाद में मैं मसाला भी फ्राई करके डालूंगी। और इस गादे और चावल के साथ आप चोखा बनाइए तो बड़ा ही टेस्टी होता है। मैं यहाँ 9 से 10 आलू तक छील करके इसी में डाल दूंगी, और मैं पानी भी इसमें डालूंगी। और पानी डालने के बाद आप करके पानी ले रही हूँ, और मैं डाल दी, और थोड़ी सी और पानी डालूंगी, इतना पानी मैं और डालूंगी बस। अब मैं इसको ऐसे ही उबालूंगी, इसमें कुछ नहीं डालना है। फिर मैं मसाला फ्राई करके डालूंगी, और मैं जब मसाला बनाऊंगी इसका और प्याज टमाटर काट के रखूंगी, तब मैं इसका फिर से वीडियो बनाऊंगी। और मैं इसको चूल्हे पे ढक्कन लगा करके उबालने के लिए रखूंगी। और ये मेरा गादा बहुत ही टेस्टी होगा, इसमें 3 से 4 सीटी आएगी तो ये बन जाएगा। मुझे तो इसी में ही घोटना है, घोट देना है दाल की तरह दर घोटनी से। आप चाहे तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। और मैं इसे चूल्हे पे रख दी हूँ उबाल आने के लिए, और ये मेरा उबलेगा। मेरा तेल और कढ़ाई गरम है, और मैं बोली थी कि आज मटर के गादे बनाऊंगी, तो गादा के लिए मैं एक टीस्पून जीरा मैं डाल दी हूँ इसमें। और उसके बाद मैं कटी हुई लहसुन ढेर सारा डालूंगी, और मैं इसे ऊपर से भी तड़का लगाऊंगी बनने के बाद। और मैंने प्याज 2 छोटा प्याज काट रखी हूँ, और ये लहसुन जो मैं बाद में तड़का लगाऊंगी, और थोड़ा सा अभी डालूंगी, और 2 टमाटर मैं कट करके रख ली हूँ। थोड़ी सी मैंने वो डाल दी, लहसुन, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी प्याज जो मैंने 2 कट करके रखी हुई थी। तब तक के मैं निकाल लूंगी। साबुत लाल मिर्च मैंने डाली है इसमें, जब तक मैं ये मैंने चोखे के लिए आलू उबालने के लिए दी थी इसी के अंदर, वो मैं निकाल लूंगी अपने कटोरे में। निकालूंगी, उसको जल्दी नहीं निकल रहा था। और ये मेरा मटर जो है गादे के लिए रेडी हो चुका है, उबल चुका है बढ़िया से। अब मैं इसका गादा बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। सारे आलू निकाल लूंगी अपने कटोरे में कुकर के अंदर। इस तरीके से घोट लें, ये देखिए मेरा कितना सुंदर हो रहा है। देखो ये गर्म है, तो भाप की वजह से उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, फिर भी ये बहुत अच्छे से घोटा गया है, मिक्स हो गया है। ये बहुत अच्छा ही बनेगा एकदम मेरा गादा, बिहारी रेसिपी। प्याज जो ऐसे भून करके रेडी हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी अपना मसाला।
एक चम्मच मैं हल्दी पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ। और धनिया मैंने डाल चुकी हूँ और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें मिर्ची पाउडर। और ये मैं जो पेस्ट बना के रखी हुई थी काली मिर्च और जीरा और लहसुन का, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें करके डाल दी। अब इसको भूनूंगी। इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है तो ज्यादा ही टेस्टी लगता है। और मैं ऊपर से जीरा और मिर्ची और जीरा और लहसुन का और मिर्ची का वो डालूंगी तड़का बनने के बाद। और मेरा इसमें दो कटी हुई प्याज और टमाटर रखी थी वो भी मैं डाल दूंगी, वो भी फ्राई हो जाएगा। स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डालूंगी। और ये नमक मेरा टमाटर गलाएगा। आपके पास जितना हो उतना ही डालें। मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। मेरा देखो मसाला भी तैयार होने वाला है, मैं इसके अंदर डालूंगी। बड़ा ही अच्छा टेस्टी होने वाला है मेरा ज्यादा। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। मेरा मसाला जो है भून करके रेडी हो चुका है, इसमें डाल करके खोला दूंगी। कुकर के अंदर डाल रही हूँ। मैं डाल दी इसमें, मैं चढ़ाऊंगी इस पे। देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। अभी मैं और इसमें पानी डालूंगी। मैंने इसमें जो पानी ऐड कर दिया है, मेरा बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा ही बनने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है।
इसलिए थोड़ी सी पानी मैं और डालूंगी ताकि मेरा खोले और उसके बाद बराबर मुझे खोल करके मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी खोलने के लिए मैं इसको रख दूंगी मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं ये चोखा बना लेती हूँ तब तक आलू गरम है अभी रूम में आपसे ही दबा देगा तो तब तक ठंडा भी हो जाएगा मेरा आलू थोड़ा दबा दी और ये मैं तड़का लगाने के लिए इसमें मैं तेल गरम करूंगी और उसमें तड़का लगाऊंगी और मैं चोखे में भी तड़का लगाऊंगी। इस तरह से मिर्ची और जीरा लहसुन के तड़का चोखा में डालो तो चोखा बहुत अच्छा ही बनता है। ये नॉर्मल चोखा है कोई प्याज ना कोई वो लहसुन मिर्चा और जीरा का मैं पहले इसमें सबसे पहले जीरा डालूंगी ये जीरा जो है चटक रहा है फिर मैं डालूंगी लहसुन ढेर सारा काटा हुआ लहसुन और उसके बाद मैं मिर्ची जो मैं चोखे में तड़का लगाऊंगी और इसमें भी गादा में भी अभी मेरा जीरा जल चुका है मैं लहसुन डाल दी हूँ अभी मेरा गादा भी तैयार हो रहा है ये मेरा लहसुन भी जल चुका है मैं इसमें चार पांच तीन चार वो चला डाली हूँ मैं चला दूंगी इसको इस तरीके से ये देखो कितना अच्छा खुशबू आ रहा है तेल और लहसुन और मिर्चा जीरा का देखो अरे मेरा बीस जीरा और मिर्ची भी जल चुका है मैंने बंद कर दिया गैस को और मैं थोड़ी सी तड़का लगा हुआ जो है मिर्ची और जीरा और लहसुन का वो मैं इसमें निकाल लूंगी चोखे के लिए मिर्ची तो मैं उसमें पहले भी डाल रखी थी इसलिए मैं सारा एक आध मिर्ची मैं छोड़ूंगी इसमें और मैं सारा चोखे में डाल दूंगी और इतना मैं रखूंगी इसके लिए तड़के के लिए और मैं इसमें डाल दी तड़का में अब ये देखिए मेरा मैं छोली डाल रखी थी ताकि ऊपर जब खोल आता है ना तो कुछ रहता नहीं है बर्तन इसमें तो वो बाहर फेंक देता है ये देखो मेरा कितना गाढ़ा जो है से गाढ़ा बना है और ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। अगर मेरा गाढ़ा का रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार बना करके खा करके ट्राई करके और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरा गादा का रेसिपी आपको कैसा लगा। अब मेरा गादा जो है से रेडी हो चुका है मैं इसको ढक्कन लगा करके अब बंद कर दूंगी अब मैं बनाऊंगी चोखा इसमें मैं स्वाद